हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाड़ी में कोई अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपकी बाइक झटके लेती है, आपकी कॉइल गर्म हो जाती है, आपकी गाड़ी गर्म होने के बाद प्रॉब्लम करती है, तो आप ये समझ लो कि आपकी गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इग्निशन कॉइल की वजह से आ रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वैसे दो तरीके की इग्निशन कॉइल होती है बाइक्स में, एक तो इपॉक्सी फिल होती है, एक ऑयल फिल होती है। ऑयल फिल जो होती है वो कैन, जिसको अपन बोलते हैं कैन एसटी, कैन कॉयल, वो होती है। और जो ब्लैक कलर की जो आती है वो इपॉक्सी फिल होती है। लेकिन जो कैन वाली जो कॉयल होती है उसके अंदर ऑयल फिल होता है, वो जो ऑयल होता है उसी की वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये कम गर्म होती है और अच्छे, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में भी अच्छे से काम करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसके अंदर जो स्क्रू होता है, जैसा कि अभी आपने मैंने जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस पिक्चर के अंदर इसके बीच में एक स्क्रू होता है, हम उस स्क्रू को निकालेंगे और ये एल्युमिनियम की कैप को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम कोशिश करेंगे इसका साथ जितना भी इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है वो ड्रेन करें। अब उसको ड्रेन करने के लिए बहुत आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली इसमें ड्रेन ईजीली होता नहीं है, आपको इसको बार 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 ट्विस्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। उसके बाद में आप इसको इस बाउल के ऊपर खड़ा रख दीजिए, इसका सारा ऑयल निकल जाएगा। दूसरी चीज़, इसको ऑयल निकलने पे हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर डेब्रीज है, या जैसे कि कोई ब्लैक ब्लैक टुकड़े आ रहे हैं, या ऑयल कंटेमिनेंट हो रहा है। चाहे ऑयल कंटेमिनेंट हो या ना हो, हमें इसको इसके लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हमें पहले, सबसे पहले इसका ये ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा। ड्रेन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस कॉयल को थोड़ा सा टेम्परेचर यानी हल्का सा गर्म करेंगे, मामूली सा, ताकि वो हल्का सा गर्म होकर ऑयल जो है वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए। तो हम इसको थोड़ा सा गर्म करके ऑयल बाहर निकाल लेंगे। ऑयल बाहर निकालने के बाद में हमें क्या करना है, इसको यूँ उल्टा करके, हाँ, इस जैसे ये मैं निकाल रहा हूँ, इसमें देखो आप, एज इट इज आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस कॉयल को ऐसे इस कंडीशन में रख देंगे बाउल के ऊपर और दो चार घंटे तक छोड़ देंगे। इसमें जितना भी ऑयल होगा वो सब ड्रेन हो जाएगा। और ड्रेन करने के बाद हम इसका जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको पार्ट टू में ज़रूर बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। और आप इसको यूज़ में लेके देखो, आपको 100% डिफरेंस दिखेगा आपकी बाइक की स्टार्टिंग में, पिकअप में, और क्या बोलते हैं उसको, एवरेज में। क्योंकि अगर आप इसकी जगह इपॉक्सी कॉइल लगाते हो तो मैं बोलूँगा आपको, आप इपॉक्सी कॉइल ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही कॉइल यूज़ करें, कैन कॉइल, ये बहुत बढ़िया है। और इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आप अगर चाहें तो 2-3-4 साल में इसकी इसका ऑयल रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको एक बार ट्राई करके देखो, मुझे कमेंट्स करके बताओ आपको कैसा लगता है। और बाकी मैं इसका सेकंड पार्ट 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स, बाय।